हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूली मैरिड गर्ल्स मेकअप लुक। सो फर्स्ट मैंने अप्लाई किया है प्राइमर एंड इसे अपनी फिंगर की हेल्प से अपने ओवरऑल फेस पर डैब डैब मोशन में अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट पिक किया है मैंने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, इसे डॉट डॉट करके अपने ओवरऑल फेस पर अप्लाई कर लिया है। सो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। आप चाहें तो फिंगर के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर किसी भी ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। सो यदि आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें एंड फेस पर रगड़ना नहीं है, डब डब मोशन में ही ब्लेंड करना है। सो आप अपने नेक पर भी अप्लाई करें। सो मेरा फाउंडेशन ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुका है। नेक्स्ट अप्लाई किया है मैंने कंसीलर अपनी अंडर आइज पर एंड जहाँ भी मुझे फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर। सो इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। सो ब्लेंडिंग को आपको प्रॉपर टाइम देना है, नहीं तो वेस आपका केकी एंड पैची हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो ब्लेंडिंग होने के बाद मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। आप चाहें तो लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने ओवरऑल फेस को सेट कर लिया है। सो नेक्स्ट अप्लाई किया है मैंने ब्लश स्पंज की हेल्प से। स्पंज की हेल्प से जब आप ब्लश अप्लाई करते हैं तो वो नेचुरल लगता है। सो मैंने चिन एंड नोज़ पर भी ब्लश अप्लाई किया है। सो ब्लश एंड हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट। सो नेक्स्ट अप्लाई किया है मैंने हाइलाइटर अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पर। सो फेस मेकअप मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले पिक करूँगी डार्क ब्राउन शेड, जिसे मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। सो यहाँ मैंने आईब्रोज़ को अपने नेचुरल शेप के अकॉर्डिंग ही फिल किया है। सो आईब्रोज फिल करने के बाद मैं इसे स्पूली की हेल्प से कॉम कर दूंगी ताकि जो भी एक्सेस पाउडर रहेगा वो निकल जाएगा। सो आई मेकअप के लिए पिक किया है मैंने येलोइश ट्रांजिशन सेट, जिसे मैंने अपनी ओवर आई पर एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो आप अपनी साड़ी के कलर के अकॉर्डिंग भी आई शेडो पिक कर सकते हैं एंड यदि आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अप्लाई किया है मैंने लाइनर और मैंने यहाँ लाइनर बेसिक सा ड्रॉ किया है, कोई भी विंग क्रिएट नहीं की है। और यदि आपको लाइनर अप्लाई करना नहीं आता तो आप टोटली इसे स्किप कर सकते हैं। आप अपनी अपर वाटर लाइन पर काजल ही अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने पिक किया है काजल। सो नेक्स्ट सेम शेड को पिक किया है और अपनी आईज़ की लॉलेस लाइन पर भी अप्लाई कर लिया है। सो नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है मस्कारा अपनी अपर लैसेस एंड वाटर लैसेस पर। यहाँ मैं कोई भी फॉल्स लैसेस यूज़ नहीं करूँगी। सो ओवरऑल लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पिक किया रेड लिपस्टिक, जिसे मैं एज अ लाइनर भी ड्रॉ करूँगी एंड इसे ही एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई करूँगी। सो ज्वेलरी में मैंने झुमकी नेकलेस एंड बैंगल्स को ऐड किया है। सो ओवरऑल लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ अप्लाई की है रेड बिंदी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ माई फाइनल लुक। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।